दोस्तों इंडियन टी20 लीग के अंदर हम फेज टू के अंदर हमने काफी सारे पैसे एमपीएल पर खेल कर जीते रहे और अब वर्ल्ड कप के अंदर भी लाखों रुपए जीतेंगे, तो आप भी एमपीएल पर खेलो और लाखों रुपए कमा लो। दोस्तों आईपीएल साल 2021 का सीजन खत्म हो चुका है, आईपीएल साल 2022 की एक्साइटमेंट लगातार बनी हुई है और काफ़ी सारे फैंस यहां ज़रूर चाह रहे होंगे उनकी जो दो नई टीमें आने वाली है वो बची हुई आठों टीमों को कड़ी टक्कर दे। और दो नई टीमों के आने के बावजूद दोस्तों केकेआर की जो फैन फॉलोइंग है वो काफ़ी मजबूत बनती जा रही है, फैंस अभी काफ़ी कम है बट दोस्तों हमें उम्मीद है कि उनके फैंस लॉयल होंगे और आगे बढ़ जाएंगे। खैर बात करेंगे आज हम कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में, टीम केकेआर की टॉप अपडेट्स आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ। बट वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में बता दूं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर अभी मेगा गिव अवे चल रहा है, आपके फेवरेट क्रिकेटर की आपको जर्सी यानी मर्चेंडाइज आपको मिल जाएगी, चाहे वो कैप हो बैट हो बॉल हो। खैर आज टीम केकेआर की टॉप अपडेट्स हम बताने वाले हैं, तो क्या फायदा क्या नुकसान इन अपडेट्स के साथ होगा, तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और आपसे लोग वीडियो का लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक, इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों इंडियन टी20 लीग में हमने 20 से ज़्यादा टीमें बनाई थी और उन टीमों ने हमें 7 लाख रुपए भी जितवाए थे। अब टी20 वर्ल्ड कप आ गया है जिसके अंदर हम मिनिमम 20 टीमें बनाकर खेलने वाले हैं, ऑलरेडी हमने 19 टीमें बना ली है और आप 20वीं टीम अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इसके अलावा आप इंडिया के मैचों के अंदर 2 करोड़ रुपये भी जीत सकते हो और मिनिमम 35 रुपये अगर आप इसमें डिपॉजिट करते हो तो आपको 1000 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा, जो कि शानदार बात है। विनर्स आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जो लाखों रुपये कमा चुके हैं, आप भी इसके ऊपर अपनी फोटो लगवा सकते हो पैसे जीतकर, जो कि एक अच्छा मौका है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर डाउनलोड करो एमपीएल। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल साल 2022 के लिए अभी से ही प्लानिंग स्टार्ट कर चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे वो ऑक्शंस के लिए है, बट नहीं दोस्तों वो गेम प्ले के लिए है क्योंकि इस बार का इंडिया में होगा आईपीएल। दोस्तों आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ केकेआर के जो मैच ईडन गार्डन पर होंगे क्या आप उनके लिए एक्साइटेड हो, काफी लंबे टाइम के बाद उनका होमग्राउंड पर मैच होंगे। टॉप अपडेट्स की बात करें तो पहली अपडेट आ रही है शाकिब अल हसन को लेकर, तो दोस्तों केकेआर के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, केकेआर सभी फैंस के लिए और शाकिब अल हसन फैंस के लिए। दोस्तों शाकिब अल हसन बॉलिंग के साथ अभी फॉर्म के अंदर थे बट अब बैटिंग के साथ भी फॉर्म के अंदर चुके हैं और यहां वर्ल्ड कप चल रहा था जिसके अंदर दोस्तों उन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है और एक डू और डाई मुकाबले के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जहां पर दोस्तों अगर इनकी टीम बांग्लादेश नहीं जीतती तो वो सुपर 12 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती और बाहर हो जाती। इन्होंने दोस्तों बैट के साथ 46 रन बनाए 37 बॉल्स के ऊपर और बॉलिंग में तो बहुत ही कमाल कर दिया, अपने 4 ओवर के अंदर उन्होंने केवल 9 रन दिए और 4 महत्वपूर्ण विकेट लिए। हालांकि टीम सामने कच्ची थी, आगे देखते हैं टूर्नामेंट के अंदर आगे और क्या होता है, बट वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप ही, परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी और दोस्तों ऐसी ही परफॉर्मेंस अगर आप देते रहोगे तो आप सभी को पता है ऑक्शन 2021 के अंदर किसी भी टीम ने इंटरेस्ट नहीं जताया था, शाकिब के अंदर बहुत कम इंटरेस्ट जताया था और वहीं केकेआर को शाकिब अल हसन मिल गए थे और अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो वहीं साल 2022 के अंदर भी शाकिब अगर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो इनको टीम रिलीज तो करेगी बट वापस एक बार फिर से इनको ऑक्शन में ले लेगी। तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ साल 2022 के सीजन के लिए शाकिब एक वर्थ बाइंग हो सकते हैं टीम केकेआर के लिए या फिर इनको दूसरी जर्सी में या फिर अनसोल्ड कर देना चाहिए। अगली अपडेट आ रही है केकेआर की ब्रांड वैल्यू को लेकर, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे टॉप 4 की जो टीमें हैं जिसके अंदर केकेआर की फैंस की अगर बात करें तो टॉप जो 4 टीमें हैं वो है चेन्नई की टीम, मुंबई की टीम, आरसीबी की टीम और केकेआर की टीम। इसमें दोस्तों केकेआर टीम जो है चौथे स्थान के ऊपर आता है फैन फॉलोइंग में, बट मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों रीसेंट फाइनल में पहुंचने के बाद केकेआर की जो ब्रांड वैल्यू है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है और यहां दोस्तों फैन फॉलोइंग चौथे नंबर पर होने के बावजूद भी इनकी ब्रांड वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि ये 5वें स्थान से अब 3रे स्थान के ऊपर आ चुका है अपनी ब्रांड वैल्यू के अंदर। दोस्तों ब्रांड वैल्यू के मामले में इनके ऊपर केवल 2 ही टीमें हैं जो कि है मुंबई और चेन्नई। ब्रांड वैल्यू की अगर बात करें जो कि अभी केकेआर की है वो है 543 करोड़ रुपए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। फैंस भी अगर इनके लॉयल हो और साथ दें तो दोस्तों केकेआर की ब्रांड वैल्यू बहुत जल्दी 1000 करोड़ रुपए तक भी पहुंच जाएगी। अगली अपडेट आ रही है नए हेड कोच को लेकर, तो ये दोस्तों अभी बहुत स्टार्टिंग की न्यूज़ है, सिर्फ लीक हुई है, फिर भी र्यूमर्स बात है, फिर भी मेरा हक है आपको बताना क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है सबसे पहले न्यूज़ हम आपको दे देते हैं केकेआर से रिलेटेड। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ब्रेंडन मैकुलम और अभिषेक नायर की जो ये लाइनअप है, जो कोचिंग वाली लाइनअप है, ये पूरी डिसमेंटल पूरी रिलीज करना चाहता है केकेआर मैनेजमेंट, जो हायर अथॉरिटीज़ है। इसके अलावा जो सीईओ है उनकी तरफ से एक हिंट आई है कि यहाँ पर राहुल द्रविड़ से बातचीत की जा रही है नए कोच के तौर पर। राहुल द्रविड़ अवेलेबल होते हैं मानते हैं, क्या उनकी फीस स्ट्रक्चर रहती है ये अभी इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं है। बट हाँ दोस्तों आपको साल 2022 के अंदर केकेआर के जो कप्तान है और केकेआर के जो कोच हैं दोनों ही इंडियन देखने को मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हिंट, बहुत बड़ी जो र्यूमर्स हैं इनके ऊपर है। तो दोस्तों आप नीचे ज़रूर कमेंट करके दो राहुल द्रविड़ एस केकेआर कोच कैसा रहने वाला है ये कॉम्बिनेशन। तो ये थी टीम केकेआर की टॉप अपडेट। दोस्तों आप सभी के लिए हमने एक बहुत ही बड़ा मेगा गिव अवे अगली वीडियो में रखा है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर डाउनलोड कर ले एमपीएल ऐप। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी जरूर लाइक करो।